तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं नेटवर्क, यानी कि फैब्रिक पे कैसे नेट को अटैच करते हैं, आज वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मुझे लेना है जरी, यहाँ पे मैं जरी यूज़ करूँगा गोल्डन कलर का, ठीक है। पहले हम नेट जमाते हैं, नेट जमाने से पहले हमको यहाँ पे यूज़ करना होता है आउटलाइन जरी का, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं जरी का आउटलाइन मारूंगा, जो मेरा शेप है नेट ढाने वाला वो सर्कल टाइप में है। आपको जो लगता है वो आप सर्कल भी ले सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा मैं आउटलाइन यूज़ कर रहा हूँ, और आउटलाइन यूज़ करने के जो मैं यहाँ पे नेडल यूज़ कर रहा हूँ वो है एक तार का। यहाँ पे टाका मारेंगे, काफ़ी बारीक टाका मारने जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर जो हम जिलने वाले हैं वो मरकन होगा, जिगजैग मरकन। तो यहाँ पे पहले हम जरी की आउटलाइन मारेंगे, जो निडल होगा वो एक तार का होगा। सिंपल सा आउटलाइन मार के इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद फिर लेना है नेट, जो हम नेट लगाने वाले हैं। आपके पास जो कलर लेगा वो आप ले सकते हो। देखो नेट के ऊपर डिपेंड होता है, आपका नेट जो है ज़्यादा ही खड्डे वाला है, ज़्यादा छेद वाला नेट है तो वो काफ़ी ख़राब लगने में, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा खड्डे वाला नेट है तो उसको डबल कर लो आप, तो ज़्यादा घना हो जाता है, ठीक है। नेट के ऊपर तो आप उसको सिंगल लगा सकते हो, अगर शरीर दिखाना है, अगर नहीं दिखाना है, उस पर कुछ वर्क करना है आपको, तो आप नेट को डबल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल नेट यूज़ करूँगा। देखो राइट साइड से टाका मारना है, उसको लेफ्ट साइड में लेना है। लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, किसी को बोलना है पकड़ लो करके, या फिर निडल का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे होल्ड करके फिटिंग में होल्ड करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में और एक ऊपर साइड में, ये दो जगह में हमको खींच के इसको फिटिंग करके लगाना होगा। जो हमारा नेट है खोलने के बाद भी फिटिंग होना चाहिए, ठीक है। या हाथ से पकड़ लो, या फिर किसी को बोल दो पकड़ लेने के लिए, या फिर निडल लगा लो आप। जब आप जमा लेते हो धागा मारने के बाद, उसके बाद फिर से आपको जो है एक तार का एंडल लेना है और जरी लेना है, जो आपने आउटलाइन किया था वही सेम जरी आपको लेना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम मरकन मारेंगे, जिगजैग मरकन मारेंगे, बट काफ़ी घना मारना है, काफ़ी क्लियर दिखना चाहिए आपका, कि जो ज़्यादा काटा कटा टाइप में आपको नहीं निकालना है। काटा कटा निकालते हो हम फैब्रिक काटते हैं या नेट काटते हैं तो उसमें हमारा जरी जो है मरकन करते हैं वो भी कट जाता है। तो काफ़ी क्लोज या फिर काफ़ी घना रखना है मरकन को हमें, जिससे हमारा जो मरकन होगा वो काफ़ी अच्छा भी दिखेगा, प्लस कटने में भी हमको इजी पड़े। मरकन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमको क्या करना है, उसके बाहर साइड से हमको आउटलाइन मारनी है जरी की। खोलने से पहले, कटिंग से पहले हमको जो है जरी की आउटलाइन मारनी है मरकन से चिपक के, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे नेट को हमारे, एक तो पहले मरकन से सेफ होगा, फिर बाद में आउटलाइन से भी सेफ होगा। इसके बाद जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क जो आएगा इसकी एचेस जो रहेगी नेट की उसको ढक देगा। आउटलाइन मरकन मारने के बाद यहाँ से हमको कटिंग करना है। कटिंग के लिए आपको जो कैची होती है वो अच्छी लेनी है, जो धागे से जमाया पहले धागे को खोल देना है। कटिंग पहले ऐसे कर रही है आपको, पहले आपको बीच का जो कपड़ा होता है उसको काटना है कैची से। तो कैसे, प्लस टाइप में काटेंगे, फिर उसको हम चारों साइड से काट के निकाल देंगे। आपको बेटर ये रहेगा कि आप जो अपना फ्रेम होगा उसको पलटी करके फिर काटो, आपको आसान पड़ेगा। इसमें आपको दिखेगा भी कि मेरा कहाँ पर कट रहा है, ठीक है। या फिर ऊपर से काट रहे हो तो एक तरह का एंडल लेके आपको नेट को ऊपर पकड़ के खींचना होगा और नीचे से कैची चलानी है आपको, ठीक है, जिससे आपका खाली फैब्रिक कटेगा, नेट नहीं कटेगा।
फैब्रिक काटने के बाद फिर आपको नेट काटनी है, नेट की हल्की फुल्की एचेस निकल जाती है या फिर रह जाती है तो उसको आपको काट के हटा देना है, ठीक है। अगर नहीं भी हटती है आपका, उसके ऊपर जो वर्क आएगा उससे वो ढक जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमको डिज़ाइन चाहिए उसको ड्रॉ करना है। तो जैसे फैब्रिक रहता है, फैब्रिक के ऊपर ब्लैक अगर हम यूज़ कर रहे हैं फिरोजी कलर का, ब्लू कलर का, उस पर दिखेगा नहीं हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको वाइट पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो वाइट पेंसिल से हम यहाँ पे रैंडमली जो है डिज़ाइन बनाएंगे, इस पर जो हमको वर्क करना रहेगा उसको हम रैंडमली करते हैं। हमने देखा नहीं कि क्या डिज़ाइन हमको बनानी है, हमने ऐसे अंदाजी यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया। आपको अगर देख के कर रहे हो तो बेटर है, अच्छे डिज़ाइन बना सकोगे आप। मैं यहाँ पे रैंडमली जो है वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन कर रहा हूँ। जब भी आप रैंडमली डिज़ाइन करते हो, ठीक है, छपाई थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। हाँ, अगर हम ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करके बनाते हैं, तो हमारा परफेक्ट जो डिज़ाइन है वो बनता है। पर यहाँ पे हमने डायरेक्ट पेंसिल लिया है, डायरेक्ट चला दिया है, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो हम वर्क में मैनेज कर लेंगे उसको। डिज़ाइन ड्रो करने के बाद यहाँ पे मुझे लेना है जरदोजी। यहाँ पे मैं दयाल जी का 47 नंबर का वो ले रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आता है इस कलर में। कटिंग करना है यहाँ पे हमको ट्विस्टेड स्टिच के लिए, जो हम करते हैं यहाँ पे ट्विस्टेड स्टिच, उसके लिए हमको जो है मटेरियल कटिंग करना है। कितना कटिंग करना है, 0.40 स्टार्टिंग कटिंग करना है, 0.50 तक का लेके जा सकते हो, बट 0.50 ज़्यादा हो जाता है। रेगुलर जो होता है 0.40 हमको कटिंग करनी है मटेरियल की साइज़, और उससे ट्विस्टेड करना है। तो आपकी जो ट्विस्टेड है, या फिर कोई भी आप जदूजी ले रहे हो, जो भी आप वर्क करते हो, लोडिंग या ट्विस्टेड जो भी होता है आउटलाइंस, आपकी कटिंग के ऊपर डिपेंड होता है आपकी फिनिशिंग। आपकी जो कटिंग है वो प्रॉपर होगी, बराबर से कटेगा, तो आपकी फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। तो कैची आपकी जो होती है वो बेस्ट होनी चाहिए, धार होनी चाहिए, जिससे आपकी कोई कटिंग होगी अच्छी होगी तो आपका वर्क जो है उससे अच्छा होगा। और जदूजी स्टिच करने के लिए जो हम नीडल यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है 7 नंबर का नीडल। ये आयरन नीडल है, इसमें वुडन नीडल भी आता है, ठीक है। तो दोनों ही बेस्ट होते हैं, आप किसी से भी कर। और वही ट्विस्टेड को अंदर साइड में भी लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, आजू बाजू में लाइंस है, वो लाइंस में भी हमको ट्विस्टेड मारनी है। क्योंकि सिर्फ बाहर लुक दिखाएंगे, अंदर कुछ नहीं होगा सेम कलर, तो वर्क अच्छा नहीं लगेगा। तो बाहर का भी थोड़ा लुक हमको अंदर दिखाना है, तो सेम जो ट्विस्टेड हम बाहर सिले हैं वही हमको अंदर भी सिलना है। दोनों साइड में काम सेम होगा, दोनों साइड में काम जो होगा वो मिरर होगा, ठीक है। ये साइड का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का जो भी वर्क होगा वो सेम होगा। यहाँ पे हमने जदूजी यूज़ किया है, करने के बाद हमको लेना है नक्शी, गोल्डन नक्शी लेना है। यहाँ पे हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको पैटर्न के साइज़ के हिसाब से हम काटेंगे। जितनी हम पत्ती बनाने वाले हैं उससे डबल साइज़ का हमको नक्शी काटना है, उसको डबल करके हमको लगाना है।
यहाँ पे जो मैं नक्शी है सिर्फ पैटर्न के लिए दिया हूँ, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जरदोजी, ये दयाल जी का 119 का जरदोजी है जो कि लाइट गोल्डन कहलाता है, वो आपको लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमने डार्क दे दिया यहाँ पे, अभी हम डार्क से डार्क नहीं मिला सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट लाइट दिया है, तो एकदम लाइट नहीं है। और जो हमारा एंटिक कलर जो दिया हुआ है हमने एंटिक गोल्ड, वो एंटिक एकदम डायरेक्ट एंटिक नहीं है, बीच का कलर है, ठीक है। तो लाइट में हमारा थोड़ा एंटिक गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दे रहे हैं वो हल्का सा लाइट गोल्डन दे रहे हैं। और जो पत्तियों में जो यूज़ किया है हमने कलर लाइट गोल्डन का, वो हमको बीच में भी लगाना है, क्योंकि उसका जो लुक है हमारा बीच में भी आना चाहिए, ये तो जो काम है हमारा वो अधूरा दिखेगा। जरदोजी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे रेशम, ठीक है। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिंक रेशम है, ठीक है, 762DD इसका नंबर है, जो कि रॉयल में है, वो लेना है। और साथ में लेना है यहाँ पे 6 नंबर का निडल, हैंड निडल लेना है आपको, थोड़ी मोटी साइज़ की, ठीक है। यहाँ पे हमको 8x16 रेशम लेना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिक्वेंस लेके लॉन्ग नॉट देना है, लॉन्ग फ्रेंच नॉट देना है। जितनी भी लाइंस दिख रही है वो लाइंस के ऊपर हमको लॉन्ग फ्रेंच नॉट देना है आपको साइड में, ठीक है, जहाँ पे आपने एक वर्क किया है वो साइड में आपको कपड़ा या बैटम शीट रख लेना है, ताकि आपका बार बार जो रेशम है वहाँ पे ना फंसे। इसलिए हम यहाँ पे बैटम शीट रखते हैं, ताकि हमारा जो रेशम है बार बार ख़राब ना हो, क्योंकि जरदोजी में चीज़ें लग के जो है ख़राब हो जाती है, खींच जाता है। तो यहाँ पे जो हम रेशम का मार रहे हैं लॉन्ग फ्रेंच नॉट, ठीक है, लाइंस लेके जाने के लिए यहाँ से टाका डायरेक्ट वहाँ पे लेके जाने के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, उसके बीच में कहीं भी हमारा जो रेशम है आर पार दिखना नहीं चाहिए, लाइंस के बीच में से, मटेरियल के अंदर में से, वर्क के अंदर में से हमको जो है रेशम की लाइंस लेके जानी है, जिससे हमारा रेशम जो है वो शो नहीं होना चाहिए। अगर शो होगा तो उसको कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग करेंगे तो आपका जो है वो काम खुल सकता है, इसलिए आपको अंदर अंदर साइड से लेके जाना है, ताकि आपका रेशम ना दिखे। वाला रेशम मैंने जो है बीच में भी दिया है फ्रेंच नॉट, और साइड में भी, क्योंकि हम मिरर वर्क कर रहे हैं, आजू बाजू का दोनों सेम कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे किया है वो भी वहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस की जो साइज़ ली है वो 4 नंबर है और गोल्डन कलर का है। और लास्ट में जो हम यूज़ करेंगे वो है येलो रेशम 36 का रॉयल का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करना है, हमको यहाँ पे जो स्प्रिंग स्टिच है रेशम की स्प्रिंग, वो करनी है, जितनी पत्तियाँ बनी हैं उस पत्तियों पे हमको स्प्रिंग स्टिच मारनी है, तो लुक फिर हमारा काफ़ी बेटर आएगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इस बीच में जो फ्लावर है हमारा, उस बीच के फ्लावर में भी आपको टिपका टिपका करके फ्रेंच नॉट देना है, ठीक है। ऊपर वाले साइड में स्प्रिंग नॉट देना है,
बीच साइड में आपको जो है फ्रेंच नोट देना है, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में।